चल, डरने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बंबई में। चल वापस जा। इस भुलभुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ। एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ क्या बोले? मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। वेरी गुड, चला जाइए। मेरा बैग तो उठा लो आराम। जय बाबू आपका डिनर। अरे तुम, जय बाबू ये परदेसी है बेचारा, बंबई में कदम रखते ही बेसहारा हो गया। ये अंदर मूर्ति देख रहे हो ना? हाँ। लोग इसे भगवान बोलते हैं। सुना है इसने सारी दुनिया बनाई। ये दुनिया बनाने वाला अपनी दुनिया में आकर बेसहारा हो गया। तू किस खेत की मूली है? सिस्टर से मिला था। अच्छा ले ले। अरे यार कंघी है लेना। कंघी है? मैं समझा चाकू। चल ले खा। लेकिन ये तो अरे यार ये लेकिन वेकिन किंतु परंतु सब खोखले शब्द है, कोई मतलब नहीं होता इनका। चले रहने के लिए जगह है? अच्छा चलो मेरे साथ हो। मालूम है बंबई में कैसे जिया जाता है? कैसे? खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ, जूता खोलो टोपी पहनाओ, बीड़ी फेंको छोपड़ा जलाओ। कहने का मतलब है इधर आ। ए बच्चा लो, किसी में पैसा है क्या? चल जाके सिनेमा का पोस्टर देख। चल ए चल 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 आजा। चल बैठ। चल हाँ तो सब लोग, हिंदू को नमस्कार नहीं बोलेगा, मुसलमान को सलाम नहीं करेगा, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, क्योंकि अपन यहाँ लैंग्वेज का लफड़ा करने नहीं आएगा। बराबर कि नहीं? बराबर बराबर। आप लोग सोचेगा जय पांच मिनट बोल बच्चन फेंक के जरूर आग का सुरमा निकाल कर बेचेगा। नहीं भाई, लोगों को अंधा बनाना अपना काम नहीं, ये काम किसका है? डॉक्टर लोगों का। फिर आप समझदार लोगों का समझदारी बोलेगा, ये जरूर दांत का मंजन बेचेगा। नहीं जय, आपको इतना बेवकूफ नहीं समझता। यहाँ देश में खाने के बाद से रोटी नहीं दांत मजबूत करके क्या चप्पल चबाएगा? नहीं भाई लोग, मैं आप लोगों का तकदीर भी नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं सड़क पे तमाशा करने वाला और देखने वाला दोनों का तकदीर खराब है। आप लोग सोचते होंगे ये आदमी इतना बड़ा नाटक करके ऐसा कौन सा चीज बेचने वाला है जो इस बंबई नगरी में मिलता ना हो। देखो दोस्तों, इस जादुई नगरी में वड़ा पाव से लेकर चिकन तंदूरी तक और आठ आने वाले बस से लेकर 8 करोड़ वाले हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। सिर्फ खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और वही आपके पास नहीं। सब कड़के है, कड़के है, कड़के है, सब कड़के है। यहाँ खड़े हर आदमी के दिल में कार में घूमने की और 5-स्टार होटल में खूबसूरत लड़की की बाहों में बाहें डालकर नाचने की इच्छा है। लेकिन जेब खाली है। मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे। बोलो सुनना है? देखो सबको सुनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको पैसा वाला बनना है। लेकिन देखो मेरी जान, ये बंबई है, यहाँ कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती, हर बात की कीमत चुकानी पड़ती है। अब उनका एडवाइस भी फोकट में नहीं मिलेगा। चलो एक एक रुपया निकालो, चलो 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 भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो सबसे पहले तुम्हें ऊपर देखना सीखना पड़ेगा। यहाँ जो ऊपर देखता है वही जिंदा रहता है, नीचे देख फिर नीचे देखा। नीचे देखने वालों को बंबई में जीने का कोई हक नहीं। यहाँ वही ऊंचाई को छू सकता है जो अपने मंजिल को सीढ़ी बनाए, और ये कभी ना सोचे उसके पैरों तले कौन जिया कौन मरा कौन कुचला गया। पलट कर देखने वालों के लिए बंबई में कोई जगह नहीं। यहाँ धक्का मारो, अपना रास्ता खुद बनाओ। पहला सबक चल। राम राम पांडे चाचा। जीते रहो बेटा। आओ आओ जय बाबू, कमाल है मियां को बंबई। चाय पी के घर आ जा। बाय जय। रफीक भाई बहुत थक गया, चाय दे दो। अब्दुल राजू मियां को स्पेशल चाय पिलाओ। मेरे को काय को मार दे। व्हाट? अरे बेकरी में से केक रह के खाता है। मैं किधर खाया? मैं एक नरम पाव खाया और एक कड़क पाव खाया। चुप। रफीक भाई तुम हमेशा इसका साइड लेता है ना, ये अपुन के बेकरी में से रोज केक चुरा के खाता है। इसका पगार 10 रुपया और केक खाता है 15 रुपया का। तो फिर मेरा पगार बढ़ाओ। केक देगा? पगार बढ़ाओ, काम कर। चलो रफीक भाई एक गरम गरम चाय पिला। आओ मियां गुस्सा थूको। अब्दुल एक चाय दे। हेलो जोसेफ अंकल। गांव ने एक कटिंग। हाँ दे दे, एक कटिंग दे दे। वो एक कटिंग दे, बस ये लो। ये लीजिए रफीक भाई। अरे वाह जोसेफ मियां, ये हमको पैसा देता है। अरे रहने दे रहने दे, जब कमाने लगेगा ना तो सब वसूल कर लेंगे। रफीक भाई उधर एक पाव की मां देना। नमस्ते रफीक भाई। आदाब सिस्टर। आओ आओ। यारे बेबी कितने तो? अच्छी हूँ जोसेफ अंकल। क्या चाहिए? 4 अंडे एक ब्रेड। अब्दुल 4 अंडे लेके आना। आया। रफीक भाई हम यहाँ, अगर राजू को मांगता है तो अपन के बेकरी में काम पे लग सकता है, पैसा भी मिलेगा। ख्याल तो अच्छा है,
राजू मियाँ फिलहाल बेकरी में नौकरी कर लो, खर्चा पानी चलता रहेगा। अरे नहीं नहीं रफीक भाई, मैं अपनी काबिलियत, अपनी तालीम, अपना ब्राइट फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। वो क्या ना जोसेफ अंकल, कि अगर मैं छोटा काम करूंगा ना तो छोटा ही बनकर रह जाऊंगा, स्मॉल। तो आपकी नजर में हर वो इंसान छोटा है जो मामूली काम करता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। नहीं आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं, मगर आपका मतलब तो यही था ना? नहीं आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब था कि छोटा छोटा काम करते हुए आदमी की सोच छोटी हो जाती है, यू नो जिंदगी का मकसद छोटा जाता है, कभी कभी तो इंसान की तमन्नाएं छोटी हो जाती है, यू नो स्मॉल स्मॉल स्मॉल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मामूली काम करते हैं और अपने आप में बेहद खुश हैं? हाँ, फिर छोटा कौन है बड़ा कौन है इसका ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? देखिए रफीक भाई, मैं तो आपसे बात कर रहा था ना, बीच में टपकने के लिए मैंने तो निकाला इनसे। आपने बात ही ऐसी की कि कोई भी आता तो प्लीज। हां मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं, मैं आप सबको एक दिन बता दूंगा कि मैं कौन हूं और क्या बनने आया हूं यहां पर। अंडे अंडे, अरे कमाल है, ये भी ऊपर होते हैं तो पानी फेंकती है, नीचे आते हैं तो झगड़ा करती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नौकरी का सपना देखते देखते बचपन से जवानी तक गधों की तरह किताबों का बोझ ढोता रहा, मास्टरों की मार खाई, दिन रात कागज के मुंह पर कालिक मलता रहा, क्या सीखा? संडे के बाद मंडे, रुपए के चार अंडे, खाए किसी और ने डंडे, अब राज कर रहे मुस्टंडे। क्या सीखा? 1 2 का 4, 4 2 का 1, क्या सीखा है? ऐसे नौकरी कैसे मिलेगी भाई? इस उल्टी दुनिया को सर के बल खड़े होकर देखोगे तो सीधी नजर आएगी, अपनी अर्जी पर वजन नहीं रखा हवा में उड़ जाएगी। और वजन मेरे भाई कई रंग के होते हैं, कई ढंग के होते हैं, काले धन का वजन, गोरे तन का वजन, कहीं तीर का वजन, तलवार का वजन। मुझे को भी आज ही पटना था, इंटरव्यू है अब, सब ठीक। क्या जवाब दूंगा वहां पर अगर देख लिया? व्हाट हैपेंड मैन, तू ऐसा टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता है? क्या हुआ राजू बेटा, क्या पांव में मोच आ गई है? अरे मोच वोच नहीं आई है पांडे चाचा, ये जूता फट गया है मेरा, जूता फट गया, जूता फट गया। अरे हंस रहे हैं, यहाँ इज्जत संभालने की प्रॉब्लम हो रही है, जानते हैं इंटरव्यू आज मेरा? अच्छा बेटा, तुम्हें भगवान जरूर कामयाबी देगा, मेरा दिल कहता है कि तुम जरूर पास होगे। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जरा चाल तो देखो। वाह वाह क्या चाल है, लंगड़ते जाओ लंगड़ते। वहां जाके पूछेंगे कौन है, हम लंगड़े हैं, लंगड़े लंगड़ों की तरह चलते रहो। ये क्या मजाक है जी? अरे बातों से बात नहीं बनी तो इन हरकतों पर उतरा है? क्या क्या मतलब आपका? मतलब क्या, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह बदतमीजी करते हुए। अरे क्या बदतमीजी की मैंने आपसे? हाँ, राह चलती लड़कियों की नकल करना, उन्हें छेड़ना बड़ी शराफत की बात है ना। देखिए सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कीजिए, आपको जाना आप जाइए। मैं क्यों जाऊँ, आप जाइए। अरे आपको जाना ना आप जाइए। अरे बड़े अजीब आदमी हो, मुझसे जाने को कहते हो खुद क्यों नहीं चले जाते? ठीक है मैं जाता हूँ, कमाल हमेशा लड़ती रहती है। अरे फिर नकल कर रहे हो, गुंडा लोफर। अरे आप गुंडा लोफर किसे कह रही है, जानती हैं आप मेरी मजबूरी है जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करता आ रहा हूँ तब से मैं। ये देखिए ये जूता फटा हुआ है मेरा, अब तसल्ली हुई आपको? अरे मैं पहले से ही परेशान हूँ और आप गुंडा लोफर कहती जा रही हैं। मैं गुंडा लोफर नहीं हूँ मैडम, गुंडा लोफर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर वो घर बनाते हैं ना। अरे जूता फट जाता कोई गुंडा लोफर हो जाता है क्या? पहले से परेशान। इसको सी दीजिए प्लीज, इसका 20 रुपये लगेगा साहब जी। देखिए साहब इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप इसी से काम चला लीजिए ना। वो क्या है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए पहुंचना है और मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं साहब 20 से कम नहीं होगा। ये लीजिए। दगड़ू ये लो और जल्दी कर दो। दगड़ू जी आप ये इनके पैसे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। देखिए मुझे किसी का एहसान, ये पैसे मैं आपको उधार दे रही हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ आप पर। जब नौकरी मिलेगी तो वापस कर दीजिएगा। सुखाया अब हीरो स्टाइल मारेगा, सबसे नजर बचाकर अपने लैला को इशारा करेगा, अब इशारा करेगा। अब लड़की शर्मा कर लकड़े पर तबला बजाएगी, तीन नक्का तीन धा।
अब लड़की तबला बजाएगी। दिन का दिन था। बजाया बजाया। अब दुनिया के रस्म और रिवाज तोड़कर लड़की लड़के के तरफ उड़ता हुआ चुम्मा फेंकेगी, वो अजरुद्दीन की तरह कैच करेगा। अब लड़की चुम्मा फेंकेगी। क्या किया? अरे जय, तू तो चैंपियन है यार, किधर सीखा? एक्सपीरियंस बोलता है भाई, एक्सपीरियंस। मतलब तूने भी प्यार किया? बहुत तगड़ा। क्या नाम था लड़की का? मधुमती। उस दिन तूने बंदे नहीं कहा था? अरे वो दूसरी थी, पहले वाली मधुमती। बहुत तगड़ा प्यार किया। फिर शादी क्यों नहीं की? भूल गया। भूल गया? लड़की का बाप आएगा। ओ आ गए रे। अब क्या होगा? कुछ नहीं, गमले को पानी देकर चला जाएगा। गया गया। अर्ज करता हूं, वो बिजली का खंभा, ये पत्तों की आड़, हाय, दिल से दिल टकराएगा। अरे भाई अब तो खंबा छोड़, ऐ नहीं सुनेगा। बताया अपने हीरो को क्या हुआ है? क्या हुआ डफली?